काफी ज्यादा वेलकम टू आस्का मनाया, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरी ख्वाहिश ये रह जाएगी कि इन नारों में कभी तो फीमेल आवाजें डोमिनेंट हों। सख्त मर्दों की आवाजें आ रही होती हैं ताबिश ताबिश। कई रात मुझे नींद नहीं आई इस चक्कर में कि यार सुबह उठ के मर्द कह रहे होंगे ताबिश ताबिश। सब ठीक हैं, खुश हैं तो मजीद खुश होते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक ऐसी अदाकारा जो काम करती हैं कमाल करती हैं, बहुत कम अरसे में इन्होंने बुलंदियां छू ली, चुरा लेती हैं हर बार मेरा दिल। मेरे साथ मौजूद यशमा के। यशमा वेलकम टू आस्का मनाया, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। क्या नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे? यशमा उससे पहले यश भी था। यश भी था अम्मा से पहले। मैंने माना लाहौर में मौसम बहुत ठंडा, लेकिन आते साथ ही मुझे गर्म नहीं करे मतलब मेरा मूड। जो कहा इन्होंने कहा, मैंने सिर्फ रिसीव किया, एक्नॉलेज किया। यशमा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी ना किसी तरीके से आप मेरे शो में आ ही जाती हैं। बस देखिए आने, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे कोई भी शो, आप मुझे किसी ना किसी तरह से बुला ही लेते हैं। बुला ही लेता हूं। ये आप हैं। क्या करूं, और कोई आसानी से मानता भी तो नहीं है। अच्छा, सर्दियों की फैन है या विंटर्स की? नाम का मतलब है खुशबूदार फूल, शायद इसलिए मुझे स्प्रिंग पसंद है। अच्छा, इतना एक्स्ट्रा नाम है यशमा यानी खुशबूदार फूल। हाँ। मुझे एक फूल बता दें जो खुशबूदार ना हो। कुछ होते हैं ना वो जो उसमें कीचड़ में उगते हैं। कोई कोई तो वजह रही होगी कि आपके घर वालों ने नाम रखने से पहले खुशबू लगाना जरूरी समझा कि यार कम अज कम नाम में खुशबू आ जाए। वेरी थॉटफुल, मैंने कभी नहीं पूछा। अच्छा तो पूछे आप, क्योंकि पैदा हुए बच्चे से इतनी खास खुशबू नहीं आ रही होती। आपको जानवर से बहुत प्यार है? बिल्कुल। कुत्ते बिल्ली सब चीजें आपके पास है, कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अब देखिए, मुझे इतना प्यार है जानवरों से कि मैं स्पेशली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आई हूँ आपके शो में। इंटरव्यू देंगी या पैट बना के लेके भी जाएंगी? नहीं नहीं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नजर आ रही मुझे। नहीं नहीं जी, मुझे बिल्कुल बहुत प्यार है कुत्ते बिल्लियाँ किसी भी किस्म, आई थिंक जानवर से प्यार है मुझे। जब कोई पूछता है ना कि आर यू अ डॉग पर्सन और आर यू अ कैट पर्सन, आई एम लाइक आई एम एन एनिमल पर्सन। अच्छा, मैंने देखा है जिन लोगों को भी जानवरों से प्यार होता है, यहाँ पे आपको बाय द वे बताता चलूं, ज्यादातर लड़के और लड़कियां वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं। ओह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। वाओ, आई एम सो हैप्पी। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जानवर लवर होते हैं, एनिमल लवर्स जिन्हें इंग्लिश में कह रहे हैं, वो कभी मेरी फेवरेट जानवर छुपकली से प्यार नहीं करते? छुपकली एक बिल्कुल उस लड़के की तरह है जो इंजीनियरिंग कर रहा हो जैसे। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, कोई उसे पूछ नहीं रहा। आपका छुपकली से ऑब्सेशन है। मैं आपका एक और भी देखा है इंटरव्यू जो मरियम के साथ किया, तो उसमें भी छुपकली के बारे में फैसिनेटेड। अच्छा देखो ना, छुपकली और एक खूबसूरत लड़की में कम फर्क होता है। मैं लड़कियों को छुपकली नहीं, मैं एटीट्यूड की बात। चिपक जाती हैं आप, ये तो नहीं कहना चाह रहे। एटीट्यूड अब आप निकल जाती है। चलो आप बोलो ना, छुपकली का एटीट्यूड ही होता है। इसी तरह हमारी लीग से जो बाहर खवातीन होती है, अमीर पढ़ी लिखी, उनका भी होता है एक्सक्यूज मी। इसलिए वो छुपकलियाँ इसलिए पसंद है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। वाओ, अच्छा, लेकिन मेरे मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो पेट लवर्स हैं उनको छुपकलियाँ नहीं पसंद, मतलब एनिमल लवर्स हैं। मुझे तो सांप भी पसंद है, मुझे तो हर किस्म, मतलब मुझे तो छुपकली से कोई मसला नहीं। सांप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, मुझे बताइए आप। नहीं नहीं, आप भी डसते होंगे प्रॉपर। योर फेस, आप तो मुझे लग रहे हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्यूट है, मुझे आप मुझे खुद बताओ इसमें क्यूट क्या। एक चीज बता दो जो क्यूट लग रही हो, मैं आपको सांप दूंगा। यार मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट हैव अ फीलिंग टुवर्ड्स इट। अच्छा, आपको पता है मुझे वैसे बहुत डर लगता था सांपों से, मुझे पसंद थे लेकिन ये था कि मतलब हमदर्दी थी उनकी तरफ, मुझे बड़ा डर लगता था। एंड देन आई स्पेशली टू गेट ओवर माय फियर, मैंने 75 स्नेक्स को एक साथ होल्ड किया था और मिली थी, जस्ट टू लाइक गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम। यू हैव टू कॉन्कर योर फियर्स ना। जिससे खौफ उस पे कूद जाए। लेकिन ये सांप देखो आप, ऐसा लग रहा है 80 साल के अंकल है लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपका देखने का नजरिया, मुझे इतनी क्यूट सी छोटी सी शक्ल नजर आ रही है इतनी प्यारी सी आंखों के साथ। क्यूट है ये। हाँ, यहाँ तो सब लड़कों की उम्मीदें जाग गई कि यशमा को ये भी क्यों। अच्छा, सांप के बारे में बहुत सारी मिथ्स भी एसोसिएटेड हैं कि ये 100 साल बाद पता नहीं क्या बन जाता है, इंसान बन जाता है। मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि पता नहीं अगर आप लाइक मेल स्नेक को मारो तो जो फीमेल स्नेक है वो ढूंढती है जिसने मेल स्नेक को, उसको थैंक यू कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ सांप के बारे में, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा। सांप जो है वो बहरा होता है मोस्टली, और आप देखो पूरे सब कॉन्टिनेंट में धंधा सांप का बीन बजा के चलाया जा रहा है,
उसको बीन सुनाई नहीं देता सच मुझे मुझे नहीं ये बात पता थी कि सांप भैरे होते हैं और बचपन में ना मेरी एक हाउस हेल्प होती थी हमारे घर काम करती थी उन्होंने एक कहानी बताई थी कि उनके गांव में एक लड़की थी और उसका ना लाइक उसने किसी नदी से पानी पी लिया था और उसके बाद शी स्टार्टेड ब्लोटिंग रियली बैड एंड पीपल थॉट शी वाज मेबी लाइक प्रेग्नेंट एंड इन अ वियर्ड रिलेशनशिप विद समबडी तो लाइक एवरीबडी यूज्ड टू यू नो मतलब उसको मारते थे ताने मारते थे ये वो उसने मुझे इतनी ट्रॉमेटिक स्टोरी बताई एंड शी इज लाइक यू नो इन द एंड उसको जो है घर पे जो है डॉक्टर्स के पास ले गए फाइनली तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है इसके पेट में ना सांप बड़ा हो रहा है आई बिलीव दैट स्टोरी राइट एंड देन दे टोल्ड मी कि उसको सांप को ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो पता नहीं शी कुड हैव डाइड या वो जहर अंदर छोड़ सकता था तो फिर बांसुरी वाला मंगवाया था और उसके मुंह से सांप निकला एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई बिलीव दिस स्टोरी जब तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि सांप तो बहरा होता है वो एक्चुअली मूवमेंट जब मैं ये 75 से मिलने गई थी ना तब मुझे पता चला था कि आप मूव नहीं होइएगा मैंने कहा क्यों कहते क्योंकि इनको आवाज नहीं आती लेकिन आप मूव होते ना तो ये फिर उस दिन आई वाज लाइक ओ माय गॉड जब से मुझे माय होल लाइफ वाज अ लाइक जब से मुझे पता चला कि सांपों को आवाज नहीं आती मैंने इतने ताने गालियां दी सांपों को जाना क्या उखाड़ लेगा तू मैं हिला नहीं क्या उखाड़ लेगा तू क्या मैं अभी ऑडियंस की तरफ चलेंगे ने सवाल पूछेंगे आपके लिए सवाल लाएं भाई अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल और ला भी क्या सकते थे मैंने कहा भी था मिठाई ले आओ इस बार क्योंकि हम सवाल लाएंगे नहीं मुझे जवाब देना पसंद है हां जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तौश भाई कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं आपका क्या नाम है मेरा नाम दानिश कोई सवाल लाओ जी यशमा जी के लिए मेरा सवाल है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक आप चाय मंगवा दूं यशमा जी के लिए मेरा सवाल है आजकल काफ़ी हालात ऐसे हो गए हैं कि हर पेशे पर असर पड़ा है सिवाय ताविश भाई के शो के तो क्या शोबिज़ इंडस्ट्री को भी कोई फ़र्क पड़ा है कोरोना के बाद ये फ़र्क पड़ा है कि मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स तो उतने ही पैसे कमा रहे हैं लेकिन हमें बोल रहे हैं कि आप कम ले लें क्योंकि सिर्फ आपको बोल रहे हैं मुझे तो बहुत मिल रहे नहीं मतलब मैं उनको फिर ये जवाब देती हूँ मैं कहती हूँ मैं भाई रोटी लेने जाती हूँ मुझे उतने की मिल रही है आप मुझे पहले से पैसे कम दे रहे हैं तो हाँ हमारे पर भी फ़र्क पड़ा है कम हो इंडस्ट्री में फर्क पड़ा इतना नहीं पड़ा आर्टिस्ट बहुत अमीर है बेटा इन पे रहम ना खाना तुम्हारी जिंदगी पे कोरोना के बाद क्या फर्क पड़ा मेरे पे काफी फर्क पड़ा है जैसे रोटी पहले 6-7 रुपए की मिलती थी अब 20 रुपए की मिल रही है वहाँ तंदूर है और महंगी हो गई है यार ये तो इसने मुझे अच्छा पॉइंट बताया झूठ बोल रहा है वो 6-7 की मैं लेकिन अगर ये सच है तो मैं पॉइंट पहले मैं ये बोलती थी मैं रोटी लेने जाती हूँ तो उतने की मिलती है बोल सकती हूँ तो और महंगी मिलती है यार बल्कि मेरे पैसे ये झूठा आदमी 5-6 रुपए की रोटी तो मुशर्रफ दौर में मिल रही थी भाई भाई कोरोना से पहले तो तू कायदे आजम के जमाने का रेट बता दे फिर मुझे तो सर आप कहाँ से लेते थे हमें बता दें भाई मैं तंदूर से लेता था यार सर हम भी तंदूर से लेते आप गलत तंदूर पर रोटियां सेक रहे हो रोटी 5-6 रुपए की तो बहुत पहले थी यार बहुत पहले यशमा आपने तो इतनी सस्ती रोटी खाई भी नहीं होगी होता ना अमीर लोगों का होता है सस्ती चीज नहीं खाएंगे अब खाते हैं रोटी महंगी हो गई किसने बोल दिया मैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ यशमा एंड ताबेश लेकिन उससे पहले रुक जाओ अच्छा ना तेरी अच्छी हो ना डांट रहे हैं आप उसको देखे बेचारी अब उसे डर गई रवाना ही हो गई ना लड़की छूटते जिस तरह वो गाड़ी नहीं होती बैटरी वाली रखी चली गई नाम क्या है आपका अलीजा क्या करती हो तुम आई एम डूइंग डीडीएनएस दैट्स डाइटेटिक्स ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेस डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन बन रही हो जी छोटे अल्फाज में हां जी तुमने तो इतना लंबा नाम बता दिया लेते लेते डिग्री का टाइम पूरा हो गया अच्छा वेरी गुड सवाल लाइयो हां जी डर क्यों रही नहीं डर तो नहीं रही आप पूछ ही ऐसे रहे हैं कैसे मुझे लग रहा है इसकी आवाज बहुत अच्छी है रिलैक्स हो मैं आराम से हां जी रिलैक्स हो जाएं पहले आप लोग ये रिलैक्स हो जाएं आप दोनों से अगर आप लोगों की लाइक लाइफ पे कोई इंग्लिश से पूछो ना अच्छा खासा इंग्लिश से पूछ रही थी तुम सारा रिदम तोड़ दिया मैंने इंग्लिश में मजाक करो पूछो अगर आप लोग अच्छा इंग्लिश से पूछ उसने सवाल ही भूल जाने बेचारी अच्छा पूछ लो हाँ अच्छा अगर आपकी लाइफ पे कोई बायोपिक बनाता है तो आप वो सबसे पहले आप किसको दिखाना चाहेंगे ये पूछ रही हो कि बायोपिक बने तो कौन सबसे पहले किसको दिखाना पसंद फरमाएंगे आप दिखाना क्या बारी बारी दिखाऊंगा टोटा बना रहा हूँ मैं अब ये चेक कर भाई की बायोपिक चेक कर अरे सिनेमा में लगेगी ना वो सब देखेंगे आगे ये सवाल हो सकता है कि बायोपिक बने तो उसमें कौन आपका रोल अदा करे अच्छा यार मैं डू रियली वांट टू मेक समबडी गो एज क्रेजी एज आई एम वैसे अगर बंदे को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया यशमा आपने एक्टिंग में अभी तो स्टार्ट है ना करियर का एक्सक्यूज मी
आप मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप जैसे बहुत बड़ी फिल्में हिट हो गई, बहुत बड़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे फिर पहले बड़ा होना पड़ेगा ना, उम्र में भी। उसके बाद मैं सोचूंगी ना कि फिर नहीं बनेगी, जो कौन आ रहे हैं बाकी नए नए लॉट कौन आ रही है, तो मैं खड़ी का चांस नहीं बेटा, मेरी बन जाएगी, मैं खुद आते फिर मेरी बात। आप अपना रोल किसको देना चाहेंगे? मैं तो बेटा एटलीस्ट टॉम क्रूज को कहूंगा। ठीक है, मैं जिंदगी में पहले मैं ऑडिशन भी लूंगा कि आया कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं, ये ना हो कि वो इतना बुरा कर जाए ताबिश हाशमी कि मुझे खुद करना पड़े। तो आप सबसे पहले किसको दिखाना चाहेंगे कि टू योर मदर और फादर कि ये देखे किसी ने मेरी लाइफ पे लाइक वीडियो बनाई है? तो मैं खुद देखूंगा, मेरे बाद शायद बेगम को दिखाऊंगा। ओके, मैं तो अपने शौहर को दिखाने का रिस्क भी नहीं सबसे पहले उससे छुपाऊंगी क्या क्या हुआ। जब इनसे पूछा गया, आफ्ताब ये हैशटैग लगा लो, जब यशमा से पूछा गया कि इनकी बायोपिक कौन करेगा, तो उन्होंने कहा इस वक्त कोई इस काबिल नहीं। व्हाट? मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा मायरा खान तो कतई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? राव सिकंदर। क्या करते हो राव सिकंदर? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब, सब क्या करते मुझे ऐसा ही लग रहा है, इनको तो चश्मे पहन गया है ना, देख प्राइवेट है, कुछ प्राइवेट काम ही हो। क्या ये इतनी प्राइवेट है? बुटीक, बुटीक पे शॉप करता हूं। बुटीक पे जॉब करता हूं, वेरी नाइस। खवातीन का बुटीक है, मर्दों का? किड्स एंड जेंट्स दोनों मिक्स है, लेडीज मिक्स हो गए वहां पे सब। किड्स जेंट्स और लेडीज सब मिक्स हो चुके हैं। कोई बचपन से ऐसे थे वो शरारती हैं। अब इस बात पे रिश्ता ना तोड़ देना। तुम कोई जवाब लाओ राव सिकंदर। मेरा यशमान जी से एक सवाल है कि आप माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल जा रही हैं, आपका ड्रामा इतनी हिट जा रहे हैं, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आपने शादी करना चाहिए? शादी? हाँ, मतलब आपने इतने जानवर रखे, कभी मर्द नहीं रखा? मर्दों में जानवरों वाली क्वालिटीज तो आए पहले। अच्छा, वो भी नहीं है जानवर? अच्छा, ओहो, मैं क्या करूँ, इतना सोच रखा है आपने मर्दों के बारे में? नहीं, मतलब सोचता तो है इंसान, जाहिर सी उम्र भी हो गई अब, लेकिन किस लड़की को डाकू से शादी करनी है? कौन है वो? बोल रहा है मैं तो जेल जाके ही दूल्हा ढूंढूंगी, कौन है? मेरे ख्याल से मुझे दो तीन प्रोजेक्ट पहले की ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई मिल सकते हैं। सुबह 10 से रात 10 बजे तक मैं काम पे जाती हूँ, कोई नहीं मिल सकता। ब्रेक लेने के लिए दो तीन प्रोजेक्ट मिलने भी चाहिए। यार क्या हो गया यार, मजाक। अच्छा खवातीन और हजरात, अगला कौन है? थैंक यू बेटा सिकंदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूंगा ये काम तो। वालेकुम अस्सलाम। ये काम मैं करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा क्या करती हो? बीए डन है। बीए? जी। किसी खास चीज में कर रही हो? बस किए जा रही है, बस सिंपल जो आ रहा है सामने बीए में। ओपन ओपन बीए, बहुत खुला बीए किया है इसने। अच्छा भाई, बीए में तो बीए कह रहा हूं, कोई सवाल लाई हो? जी यशमा से मेरा सवाल है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हां, आपके लिए भी चाय मंगवा लूं? आप कैसी? आप कैसी? और क्या, कपड़े तो बहुत अच्छे पहनी हो तुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ड्रामों में ज्यादा एटीट्यूड वाले रूड वाले रोल मिलते हैं, नेगेटिव रोल, तो आप रियल में भी वैसी हैं? आपको लग रही हूँ? ये तो आप बताएं ना, ये तो आप बताएं। अपनी तारीफ कोई अपने मुंह से तो नहीं करता ना। आई थिंक आई विल लीव दिस ऑन अदर्स टू डिसाइड, बट नहीं, अल्लाह नाक, मुझे पर्सनली ऐसा, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं कभी वैसी बनूँ, और मैं ऐसे रोल्स लेती भी इसलिए हूँ क्योंकि हर मेरे कैरेक्टर का जो है एक एंडिंग ऐसी होती है कि एक लेसन होता है कि अगर आप ऐसे हो तो ऐसा होगा आपके साथ, यू नो, बुरे के साथ बुरा होता है टाइप्स। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। क्या करते हैं आप? मैं वेटनरी डॉक्टर बन रहा हूँ। वेरी नाइस। नाम क्या आपका सर? हाफिज उसामा। हाफिज उसामा, हाफिज उसामा को सवाल लाएं। जी, आपको हिला देने वाला सवाल है आपके लिए। मजे का सीन तब होता है जब जहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वहाँ से आता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी इतने खामोश खड़े थे और सीधे आपको हिलाना है। आखिर कॉमेडी में आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? वो हिलाने वाला सवाल। आप कोई कॉमेडियन या आपके हालात? मुझे कॉमेडियन इंस्पिरेशन मेरी रही, खान साहब रहे। अगर मैं अमानुल्लाह खान की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की नहीं कर रहा यार। इंस्पिरेशन पता है क्या, हालात ही रहे। मैं अपने सराउंडिंग्स,
अपने दोस्त यार, ये सारे इंस्पिरेशन है हालात से. बुरे इतने रहे कि कॉमेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा. इतना कुछ तो हो चुका, हंसी लेते. ठीक है, थैंक यू, वेलकम. सऊदी हजरात, वक्त हुआ एक ब्रेक, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाएं कहीं. मैंने बोला क्लास में बैठी थी, मैं पता नहीं क्या कोई अपने से बात कर रही थी, आई डोंट नो आप पढ़े होते हो. एंड शी वाज लाइक, यू यशमा गेट अप, यू रोल योर आईज एट मी, यू हैव टू अपोलोजाइज. मैंने कहा है मतलब, मैंने कब रोल किया, गेट आउट ऑफ द क्लास. वेलकम बैक टू आस्का मनाया. मैं उताबिर जावजी, मेरे साथ मौजूद यशमा गेल और एक खूबसूरत ऑडियंस. यशमा, पढ़ाई भी की आपने? पढ़ाई या पढ़ाई? नहीं, मैंने अपना बैचलर्स इन ऑनर्स किया हुआ, अपने साइकोलॉजी के अंदर. तो हम चलेंगे आपके स्कूल लाइफ के बारे में बात करेंगे. यशमा गिल, क्या टॉपर थी, आगे बैठती थी, पीछे बैठती थी, बैक बेंचर थी, चीटिंग करती थी, बूटियां चलाती थी? मेरा बड़ा अजीब सा सीन रहा है. और जगह अजीब सा सीन बहुत रहा है. ओ लेवल्स जो है, पता नहीं, टुवर्ड्स द एंड, लाइक एट ग्रेड के बाद से मैंने तीन स्कूल चेंज किए, आगे पीछे. कुछ सिचुएशंस की वजह से उनमें हम नहीं जाते. अच्छा, क्यों निकाल रहे थे आपको स्कूल से? हम जाएंगे, निकाल रहे नहीं थे, एक से निकाला, बाकी दो चेंज किए थे. मैंने आपसे पहले भी कहा था ये ड्रग डीलिंग बहुत बुरी है. और वो भी आठवीं क्लास का बच्चा अगर नशे से अप्लाई कर रहा हो स्कूल में. बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. नहीं तो फिर उसके बाद मैंने अपने ओलेवल्स प्राइवेटली किया था. और ए लेवल्स में मैंने बड़ी कोशिश की कि चलो मैं फाइनली स्कूलिंग सिस्टम में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ. पता नहीं, वो मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हैं यार, मैं इधर उधर देखती हूँ ना तो लोग तारीफ देख रहे हो अपनी. नहीं नहीं, मैं कहानी बता रही हूँ. मैं इधर उधर देखती हूँ ना तो लोगों को अक्सर लगता है कि मैंने आई रोल किया है. तो मेरी जो बिजनेस की टीचर थी, उन्होंने बोला क्लास में मैं बैठी हुई हूँ, मैं पता नहीं क्या कोई अपने से बात कर रही थी, आई डोंट नो आप पढ़े होते हो. एंड शी वाज लाइक, यू यशमा गेट अप, यू रोल योर आईज एट मी, यू हैव टू अपोलोजाइज. और मैंने कहा है मतलब, मैंने कब रोल किया, गेट आउट ऑफ द क्लास. मैंने कहा यार ये पागल तो नहीं हो गई. तो मैंने कहा मैं तो अपोलोजाइज नहीं करूंगी. तो उन्होंने, बिकॉज मैंने की नहीं रोल, तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया. और फिर जब फाइनली ए लेवल्स की वो करानी थी रजिस्ट्रेशन, तो मेरी अटेंडेंस सिर्फ 29% थी. तो मुझे उन्होंने बैठने नहीं दिया. फिर मैंने वो भी प्राइवेटली किया, लेकिन मेरा ए स्टार आया था. एंड देन यू नो व्हेन आई वेंट टू द सेम टीचर, शी वाज लाइक, आई ऑलवेज न्यू यू वर अ ब्राइट स्टूडेंट, बट योर एटीट्यूड वाज रॉन्ग. एंड आई एम लाइक, You assume that I have an attitude. उस वक्त भी दिखाया attitude. मेरी आंखें इतनी छोटी हैं. मेरे साथ ये problems कभी नहीं हुई कि तुमने मुझे देख के eye roll किया. मुझे अक्सर टीचरों ने इस बात पे निकाल दिया, सो क्यों रहे? जबकि मैं सो नहीं रहा होता था, मैं देख रहा होता था. इतनी छोटी आंखें, कहते थे सो रहे हो तुम. लेकिन मैं पूरे साल नहीं पढ़ती थी, मैं वो प्रेशर पढ़ाई वाला सीन था मेरा towards the end. Towards. अच्छा, अब ऐसा है कि वक्त आ चुका है कि आज हमारे साथ एक और भी गेस्ट मौजूद है. कोई एंकर है, मुझे नहीं आज बताया गया कौन है. आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के कोई मारूफ एंकर हैं, देखते हैं कौन है. मैं हूं ताबिश हाशमी, 2.0 शोर मचाएंगे. खारे 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 यजमानी. ये सारा जो शोर मचा रहे हैं बिरयानी के लिए मचा रहे हैं, क्योंकि जो शोर मचाएगा उसी को बिरयानी मिलेगी. ओके. इससे पहले कि हम अपना खेल शुरू करें, मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं. हमारे साथ आज मौजूद है वो जिनको देख के खिल जाते हैं दिल, आते हैं जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल, नॉन अदर देन यशमा गेल. और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जो आज मौजूद हैं, वो जिनके प्रोग्राम में आज तक नहीं आए राहत काजमी, जिनको हर वक्त रहती है खारिश लाजमी, नॉन अदर देन ताबिश हाशमी. खारिश खारिश ओके ताबिश हाशमी, तो आप रेडी हैं, हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, लेकिन इस गेम का नाम है मुंह बंद. यानी कि अगर आपने मुंह खोला तो फिर आपकी कोई और चीजें बंद हो सकती हैं. यानी कि आपका कैमरा बंद हो सकता है, आपकी लाइटें बंद हो सकती हैं, कोई बिल्कुल. तो अब मेरा आपसे सवाल, बड़ा दिलचस्प. मैंने एक चीज अपने माइंड में रखी है, आपको वो गैस करना है. मैं 5 हिंट आपको दूंगा, लेकिन आपने उस वक्त तक गैस नहीं करना जब तक कि मेरे हिंट्स पूरे नहीं हो जाते. ओके, लंबा सा है, एंटरटेनमेंट की चीज है, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है, हमेशा स्ट्रेट रहता है,
जरूरत पड़े तो निकाला भी जा सकता है। इसका जवाब है ताबिश हाशमी। साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस वक्त अपनी घड़ियों पे 11:55 हो रहे हैं। आपने इस वक्त वो नहीं करना जो मेरे माइंड में है, आपने वो करना है जो आपके माइंड में है। आपने सो जाना है, सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। मुझे भी दीजिए इजाजत। मैं पकड़ता हूं अपना घोड़ा और अपनी कावड़ी और निकलता हूं। चल मेरे घोड़े। अच्छा भाई यशमा सिंह, तुम इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है और आपकी काफी गहरी नजर है, क्योंकि नजर ही माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी है तो गहरी है। आज हम आपसे ये करवाएंगे कि डिफरेंट स्टार्स को आज हम कैटेगराइज करेंगे। हमने सुना ना ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, डी लिस्टर। तो आज हम मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। अब ऐसा होगा यशमा, एक एक करके नाम आपके सामने अपेयर। मैं बताऊं, मैंने किसी को, मैं किसी की कैटेगरी में नहीं 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 आपने नहीं डालना, नाम बाद में अपेयर होंगे। आप सिर्फ ये बताएंगी शुरू में ही कि अगला जो नाम आने वाला है किस कैटेगरी में। मैं तो सबको ए में डालूंगी। सिर्फ तीन जा, मैं यही चाहती हूँ। ऐसा नहीं होगा, बदमाशी नहीं चल रही यहाँ पे। हर कैटेगरी में सिर्फ तीन लोग जा सकते हैं। पहला नाम जो आने वाला है, आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगी बताइए। ये मैं मजबूरी के तहत कर रही हूँ। पहला नाम, बहुत पैसे मिल रहे हैं मुझे इसलिए। किस कैटेगरी में डालेंगी पहला नाम? पहला नाम मैं डालूंगी ए कैटेगरी में। पहला नाम ए कैटेगरी में सेव खेला है यशमा गिल ने। पहला नाम कौन सा है? ए में अब सिर्फ दो लोग और जा सकते हैं। अगला नाम जो आने वाला है उसको किस कैटेगरी में डालेंगी? सरनेम हटा के आप मुझे नाम बता। नहीं बता सकते, सरनेम से तो सारा फर्क पड़ जाएगा। बताएं अगला नाम। ए में सिर्फ दो जा सकते हैं, बी में तीन और सी में भी तीन। जल्दी जल्दी करेंगे यशमा। अच्छा, ये बी में जाएगा। बी में जाएगा अगला उम्मीदवार, और अगले उम्मीदवार हैं अहमद अली बट। आपका नाम बट है ना, तो बी फॉर बट। बी फॉर बट जाएगा, और अदरवाइज This is all ताबिश। हाँ, सॉरी, all ताबिश, यानी आप ए में क्योंकि ताबिश आ चुके हैं तो बी में जाएंगे। बट साहब अगला जो नाम है वो किस कैटेगरी में जाएगा? मैं एबीसी से खेल रही हूँ भाई। सी अगला वाला सी में ही जाएगा। दिखाइए कौन है अगला सी। आयशा उमर। आयशा, आई लव यू। नो, ये इस शो में सी फॉर क्यूट, सी फॉर कवर नहीं करेंगे इस शो में। आयशा उमर, आयशा आई लव यू, यू आर गॉर्जियस। एंड ये मेरे डायलॉग्स हैं, प्लीज। She's the cat of our industry, you know. Trina to see. Aisha isliye see tha, you're the cat of our industry. Cover nahi kare, Aisha ko C mein dalne pe jhagda ho sakta hai. Ye aapne kiya, maine nahi. Aisha mera C for crush. Aur ye jo upar baithe hain na, wo kaise aapne? Nice one, yeah, good one. Kaise aapne unki tasveer dal di yahan pe C mein? Ye upar wale ka jo bhi handle kar rahe hain, uski galti hai sari. Naseeb hai, ab D category reh gayi hai, teeno mein ek ek aata hai. Ji D. D to hoti nahi hai hamare yahan. To C hai, C. Aapne D. Agla wala kahan jayega? A B C. A mein jayega agla wala. Dikhaiye bhai agla wala. क्या मतलब है यार, मेहनत की उन्होंने इतनी, इतने अरसे से मेहनत की है, इतने अरसे से एक कैटेगरी में साहिल लोधी हैं और उर्वा हुसैन हैं। ओ मावरा, मावरा, मावरा। अगला बंदा दिखाइए किस कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में जाएगा अगला बंदा? द वे ही लुक्स यार, कुछ है इनकी देखने में, बहुत आप में खो रही हैं। इनके देखने में कुछ है, इनके देखने में कोई और है। अच्छा चले, लेकिन वो नहीं जा रहे, वो कह रहे मैं ए में हूं, मैं इधर ही रहूंगा, मैंने नहीं जाऊंगा। अगली कैटेगरी बताएंगे तो ये जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओ अगला वाला, अगला अगला भी ए, अगला बी में जाएगा। दिखाओ बी। नहीं नहीं, ए में जाएगा, मैंने अब ए में ही जाएगा। ये तीन हो गए बेटा, ए के उर्वा और साहिर लोधी, मावरा साहिर और वकार। आप उर्वा के पीछे पड़ गए। अब तीनों आ गए ए में, ठीक है। अब बी और सी बचे, अगला वाला किस में जाएगा? अब बी। अब बी में ही जाएगा, और कहां जा सकता है दिखाइए। बी फॉर बिलाल, सो बी, यू नो बिलाल, बट ए स्टार है भाई ये तो। दो हो चुके हैं बी में, अब सी बचा है दो, और डी है नहीं, बी में एक और सी में दो। जब तक बी है तब तक मैं बी में ही खेलती हूं। अगला वाला बी, बी में जाएंगे पाकिस्तान के सबसे यार, हमारी फैशन डीवा है ये, फैशन डीवा है हमारी, क्या मतलब है। मरियम प्यारी तो है, मरियम बीबी भी तो है ना, बीबी से बी में चली गई, प्यारी है प्यारी। अब बी कैटेगरी फुल हो चुकी है, जो आने वाले दो लोग हैं दोनों सी में हैं। दिखाइए कौन थे वो सी कैटेगरी के दो शहजादे। किंग यार, ये तो आप लोगों ने नाजायज किया, पूरा री एडिट होगा, ये हालात बदल गए, पूरा शो री एडिट होगा भाई। अब ना हुमायूं भाई में मेरी झलक आने लगी है यार, ये मैंने वो गलत डायलॉग मार दिए थे। इनकी आंखों में कुछ है, इनकी आंखों में कुछ है, दो टके की लड़की के अलावा कुछ और भी। पहले हुमायूं को सी में डाला कैटेगरी में, और फिर उनके डायलॉग का मजाक भी उड़ाया कि हमें दो टके के कहने वाले हमारे पीछे दो टके के भी नहीं रहते।
वेरी सही। अगला कौन है भाई सी कैटेगरी का लड़का? लड़की है क्वीन। क्वीन यार, सी फॉर क्वीन नहीं होता, क्यू फॉर क्वीन होता है। क्वीन क्वीन फाइनल ये हुआ कि मावरा साहिर और वकार जगा। इसमें मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये इन लोगों की पर्सनल चॉइस थी। ऊपर से जो भी हैंडल कर रहे हैं उसको जो पसंद आ रहा है, हमारे हैंडलर्स अपनी पसंद से तस्वीरें इधर उधर कर रहे हैं। हमारे मेरे हाथ में जो होती ना तस्वीरें, तो फिर मैं यूं करती। अच्छा, अब गेम खेलेंगे दूसरा। ओके, तो गेम का नाम है नजर। गेमर बन गए आप? बस गेमर हूं मैं। नजर बंद खेलेंगे। नजर बंद में आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आएगा, कोई इमारत भी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है, मैं हिंट्स भी दूंगा। और आपने पूछ, आप पूछेंगे, ठीक है? ये रहा वो ब्लाइंड फोल्ड, खुद पहनेंगे आप। यशमा, मैंने सारे काम छोड़ दिए। यार मेरा तो मस्कारा ही खराब है। बहुत अच्छी लग रही है यशमा। यू नहीं, यू देख के आपने स्क्रीन नोट कर ली, सिर्फ सीधा ऑडियंस को देखे। ऑडियंस, हाँ। अच्छा, ये पानी ना फेंके, पानी ना फेंके यशमा, पानी ना लगाएं जी, ऑब्जेक्ट लगाएं। यशमा सामने देखते रहना, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ऑब्जेक्ट लगाएं। क्या हो रहा है? आप सवाल पूछें, पहला सवाल पूछें जी। मुझे कोई सवाल पूछना है? हाँ, तभी तो पता चलेगा। कैटेगरी पूछ ले, क्या है, मतलब किस इंसान है, जानवर है, कुछ ऐसा। अच्छा, ये क्या है, इंसान है, जानवर क्या है? नहीं, इंसान नहीं है, जानवर भी नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब, कोई हवाई मखलूक है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, किस उससे शुरू होता है ये, अल्फाबेट से? ये हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। सारा काम उंगलियों का इसके ऊपर। पियानो, पियानो, पियानो। चलो, ये आसान था, ये आसान। अच्छा था, पियानो था। बंद रखिएगा, बंद। दूसरा ऑब्जेक्ट लगाओ बेटा। बंद आंखों से भी मेरा दिमाग चलता है, देखें, होशियार रहिए। ज्यादा चल रहा है, फोकस कम हो गया है ना, बट टेंशन अटेंशन डिवाइड कम हो रही है। ठीक है, आ गया अगला ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपके सामने, अगेन ये ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ये ऑब्जेक्ट, इसके आगे सवाल स्टार्ट। इसमें किसका काम है? अगेन उंगलियों का। उंगली बहुत करते हैं आप। अरे, ये आंखें बंद करके बहुत दिमाग चलता है इनका। गिटार? नहीं नहीं, गिटार नहीं है। गिटार नहीं है, मगर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल भी है, अक्सर है। म्यूजिकल, म्यूजिकल भी है, मतलब खाने। अच्छा, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दबा के इस्तेमाल करते हैं। दबा के इस्तेमाल करते हैं, मतलब दबा के, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने को भी कहते हैं ना, दबा के इस्तेमाल कर रहा है, बहुत दबा के कर रहा है तू आजकल, वो नहीं। दबा के मतलब इसको। अच्छा, पहले अल्फाबेट बता देना। अल्फाबेट कुछ नहीं बताऊंगा, चे है, अल्फाबेट है चे। इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं इसे या उर्दू में ज्यादातर? इंग्लिश में तो इसको पुकारते ही नहीं है। यार मेरे दिमाग में कुछ बहुत गलत आ रहा है। अरे, चे से क्या बुरा आ सकता है भाई? यार, अच्छा, चे से शुरू होता है, खत्म अलिफ पे होता है। यार, ताबे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इखलाक के दायरे से थोड़ी सी बाहर। चिलगोजा। ये चिलगोजे को आप दबा के इस्तेमाल नहीं करते, छील के इस्तेमाल नहीं, गर्म चीजें संभालने के लिए। ये यहाँ से किसी ने बोला है, कसम नहीं बोला यार, उतार ले अब मेरा मस्कारा। चे से शुरू होता है, अलिफ पे खत्म होता है, दबा के इस्तेमाल होता है, गर्म चीजें संभालने के काम आता है। ये था चिमटा। वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने, तालियों। बहुत ही रोजा वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। जिन्होंने उनको मेरी गाड़ी में डाला, उन्होंने मेरा फोन निकाल लिया। जाहिर बात है, इतना काम किया तो कुछ तो दिहाड़ी लेंगे वो लोग। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, इसके 2 महीने बाद। फिर मैं सिविक सेंटर पे शूट कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके नया फोन। अच्छा, वो दो इंजर्ड लोग आप 2 महीने तक लेके घूमते वो बेचारे, तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले गई। यार मैं वहाँ पे रो रही हूँ और लोग बोल रहे हैं आपकी फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा उनका तो हुआ ही है, लेकिन मेरा फोन भी चोरी हो गया। वेलकम बैक टू हंसना मना, मेरे साथ मौजूद हैं भाई आज यशमा, आप बहुत ही गुलाबी गुलाबी अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू, मुझे पता था आप आएंगे इस बात तक। अच्छी लग रही हैं, आपको पता था ना ये बात, मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट को एक्टर आज तक का, इतने सारे काम की, कौन है? मैंने काफी इंटरव्यूज में बताया है, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, बिलाल मुझे बहुत पसंद है, इज अ वेरी नाइस गाय। अच्छा, एक काम करेंगे, हमारा गेम है बचाओ। Okay. बचाओ की खास बात यह है कि इसका गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। ये इनाम, अगर आप ये बिलाल, हम बचाओ खेल रहे हैं जिसमें बिलाल एक सिचुएशन में क्लिफ के नीचे खड़े, उनके ऊपर एक पत्थर है, ये देखें, और आपको बचाना है आपको। 1 मिनट के अंदर ये 3 सवालों का जवाब देने। अगर आप गिल्ट ट्रिप्स क्यों दे रहे हैं, तो नहीं गिफ्ट भी मिल रहा है ना इस काम का। अगर आपने 1 मिनट के अंदर बिलाल को बचा लिया तो आपको ही गिफ्ट मिलेगा, और अगर बिलाल को नहीं बचा पाई तो ये गिफ्ट बिलाल को मिलेगा, मगर आपके थ्रू मिलेगा, आप ही लेके जाएंगे।
आप लेके जाएंगे अगर नहीं भी बचे बिलाल तो कुछ तो मिल रहा है मिलेगा पर्सनल केयर की तरफ से ये गिफ्ट है पहला सवाल अच्छा जवाब देकर आपने स्टॉप बोलने वाला घड़ी रुकेगी नहीं पहला सवाल हर वोवल का एक वर्ड बताएं यार मुझे मैं बहुत बुरी हूँ ग्रामर में टाइम से वोवल्स मुझे नहीं मैं बहुत बुरी हूँ ग्रामर में ए आई ओ यू जल्दी इनके वर्ड ए फॉर एप्पल ई फॉर ईयर आई फॉर इंक ओ फॉर ऑरेंज यू फॉर योर्स no no you umbrella umbrella anxiety ho rahi hai na bula acha stop agla sawal aise char janwaron ke naam bataiye jo sirf australia mein paaye jate hain spider kangaroo sirf australia mein to nahi lekin kangaroo australia and what else snakes bhi hote hain wahan bahut insects sirf wahi paaye jate hain sirf ka mujhe nahi pata kya matlab wahi jo paaye jate hain yaar wo jo bade kaan wala ek bada cute sa janwar hota hai oh मुझे उसका नाम याद नहीं कोला दो हैं स्टोरी है कोला के साथ एक बताऊंगी बाद में प्लैटिपस टेस्मेनियन डेविल वॉम्बैट स्टॉप मैंने रोका है अब आखिरी सवाल का जवाब खुद दे देना 9 सेकंड रह गए यशमा आखिरी सवाल है जवाब देकर स्टॉप बोलना बहुत बना बिलाल बेचारा मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे तीन फुटबॉलर्स के नाम बताएं जिनको फुटबॉल बलून और बलून मुझे फुटबॉल से कुछ नहीं पता स्टॉप तीन फुटबॉलरों के नाम बता देना आप मुझे सिर्फ मेसी पता है बस एक और का पता होगा मेसी नहीं पता रोनाल्डो रोनाल्डो एक और बता दो बस आप लियारी का कोई लियारी का बताए हमारा अरे यार गया यार बिलाल के अब बिलाल में से बूम बचा है यार ये गलत बात बिलाल का बूम बचा है मैंने नहीं किया Well, I didn't do this अच्छा देखना चाहिए मंजर देखो मुझे दर्दनाक मनाजर दिखाओ ये देखो ये पत्थर है PDS हो जाएगी मुझे मैं नहीं नहीं अच्छा लेकिन मारियो याद आ गया मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट है अच्छा हुआ आप हार गई इसमें मर्दों का ही सामान है ये बिलाल को आपने दे बिलाल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सॉरी बिलाल दिस इज कमिंग फॉर यू थैंक यू यशमा ऐसा हुआ कि आपसे तीन साल पहले हमने इंटरव्यू किया बात की आपने एक मोबाइल चोरी की स्टोरी सुनाई उस पर बहुत चर्चा हुआ काफी लोगों ने एतराज किया उसके बाद फिर आपका मोबाइल चोरी हुआ मेरे सारे बलोच दोस्त भाग गए उसके बाद ये हुआ मेरे साथ दोस्ती नहीं रखता हूँ हमारे बारे में गलत बोला मैंने कई बंदे के बारे में नहीं 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 इंडिविजुअल के बारे में बात हुई थी मगर थैंक यू का मैसेज भी किया था उस बंदे ने तुम्हें अभी तक याद हूँ थैंक यू मैंने कही गलत अच्छा हाँ उसके बाद दोबारा चोरी हुआ बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आता है मैं वो दिन याद करती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत दूर शूट कर रहे थे आपको सिविक सेंटर का पता है कराची में बहुत दूर नहीं बिल्कुल सेंटर में मतलब मेरे से घर से दूर है ना तो सिविक सेंटर वहाँ पे शूट कर रहे थे और मुझे 8 बजे मेरा ऑफ होना था एक सेकंड वो जगह दूर नहीं है आप दूर रहती हैं मतलब हाँ मतलब हम डिफेंस से काफी दूर शूट कर रहे थे मतलब मेरे घर से जहाँ भी आप दूर जाओ आपको दूर दूर जगह एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज मेरा फोन चोरी हो गया अच्छा ये हुआ अब कि उससे पहले भी मेरे मुझे ना ऐसे लगा मैं थेरेपी सेशन में आ गई हूँ कि मुझे ये 3 महीने में ना मेरे दो फोन चोरी हुए थे थेरेपी सेशन में तो समीना पीर ज़्यादा इंतज़ार बैठूंगा दो फोन चोरी बताएं ना बताएं अच्छा हुआ इसमें ये हुआ था ऐसे 2 महीने पहले मेरा कॉल फोन भी चोरी हुआ था वो तो खैर इस तरह हुआ था कि आई वाज ट्राइंग टू हेल्प समबडी तो वो दो बाइकर्स थे संडे था उनका एक्सीडेंट हुआ मैं गाड़ी से निकली आई रिमेंबर मैं फोन पे थी मैंने फोन अपना पैसेंजर सीट पे रखा और मैं बस निकली कि यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है वो इतना मॉब इकट्ठा हो गया बॉयज का तो मैंने बोला कोई गाड़ी में डाल दें प्लीज मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ तो जब गाड़ी में उन्होंने डाला तो उसके बाद डालने के बाद वो आई रिमेंबर 3 लड़के थे दे वर इंजर्ड 2 ट्रंक में थे एक पीछे लेटे हुए थे तो जब मैं गाड़ी में मैं कह रही हूँ मैं किसी को कॉल करूँ ना हेल्प के लिए तो जिन्होंने उनको मेरी गाड़ी में डाला उन्होंने मेरा फोन निकाल लिया जाहिर बात है इतना काम किया तो कुछ तो दिहाड़ी लेंगे वो लोग मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है इसके 2 महीने बाद फिर मैं सिविक सेंटर पे शूट कर रही थी बड़ी मुश्किलों से मैंने पैसे जमा करके नया फोन अच्छा लिया। वो इंजर्ड लोग आप 2 महीने तक लेके घूमते हैं वो बेचारे तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और मैं वहाँ पे रो रही हूँ और लोग बोल रहे हैं आपकी फैमिली में से किसी को एक्सीडेंट हुआ मैंने कहा उनका तो हुआ ही है लेकिन मेरा फोन में चोरी हो गया ये बहुत बुरी बात है नेकी कर रहा है बंदा उसके साथ इतना बुरा मुझे बुरा लगा था एनीवेज उसके बाद क्या हुआ मैंने कहा उनका सदका मेरे थ्रू निकल गया कहानी खत्म कर दो जो सिविक सेंटर वाला सीन ये था कि वापसी पे
मेरे 8 बजे पैकअप होना था और मेरे एडी ने बोला एक सीन और कर लें प्लीज़, मेरी ये लोकेशन पैक हो जाएगी। उस मनहूस की वजह से मैंने उनको 9 बजे तक का टाइम दिया, अगर मैं नहीं देती तो मैं 8 बजे निकल जाती तो चोर वहाँ पे ना होते ना। खैर एनीवेज मैं 9 बजे निकली, मेरा नया ड्रामे का टीजर आया था, मेरा दोस्त मुझे पिक करने आया ना अपनी मर्क में, मनहूस महंगी गाड़ी लेके आ गया। तुम महंगी गाड़ी लेके आए हो, तुम्हारी वजह से चोर पड़ गए हमें, वरना मैं शूट की गाड़ी में जाती करूँगा, मैं कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा मैं उसको टीजर दिखा रही हूँ, देखो मेरा नया ड्रामे का टीजर आया, ये वो एकदम से ना अब ट्रैफिक जाम में दोस्त आवाज आई, मैंने कहा बम फटा क्या हुआ, उसने ना पिस्टल मारी ना उस पर, और मैंने तो यूं छाल के फोन पता नहीं अपने दोस्त के मुंह पे मारा कि आई डोंट नो, उसने उसको फोन दे दिया। मेरे दोस्त के ऊपर ना बेचारे के ऊपर एक केस में वो फंसा हुआ है, तो उसका फोन फॉरेंसिक के लिए। दोस्त नहीं है आपका मतलब उसका फोन है ऐसे दोस्त केसों में फंसे हुए दोस्त, उसका फोन ना फॉरेंसिक के लिए पता नहीं जाता रहता है ना, तो वो कह रहा है वो अब बार्गेनिंग कर रहा है चोर से, वो कह रहा है भाई देखो मुझे कोर्ट में फोन देना होता है, मैं कह रही हूँ मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ से बाहर निकलेंगे यहाँ से, मैं गाड़ी से बाहर जाऊँ मुझे गोली पड़ेगी। अब ना तो चोर केप्ट सेइंग चेन दो चेन दो चेन दो, और मैं ना उस टाइम पे एक बुरके में थी क्योंकि मेरा बुरके का लास्ट स्टेप चल हुआ था, चेन दो चेन दो। अब वो कह रहे हैं शादी की चेन है शादी की चेन है, मैं सोच रही हूँ उसकी शादी नहीं हुई भी क्या बकवास कर रहे, दे दे जो भी चेन है, क्या फोन भी नहीं देना इसको, चेन भी नहीं देनी। जब वो गया चोर फाइनली, मैं उसको बोला मैंने कहा यार व्हाट द हेल, मतलब तुम चेन के लिए लड़े हो, कहता मुझे लगा तुम्हारा पहले इतना नुकसान हो गया अब तुम्हारी चेन भी जाएगी। मैंने कहा मेरी, मैंने तो कोई चेन पहनी नहीं, कहता वो किसकी चेन मांग रहा था। 5 मिनट जो बहस हुई चेन पे वो थी नहीं, वो चेन थी नहीं, वो अज्यूम कर रहा था कि मैंने चेन पहनी है, वो असल में वो शायद चैन मांग रहा होगा। आखिरी गेम है, गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में आपको सिर्फ करना ये है, सवाल होंगे रैंडम, उनके आपने गलत सही जवाब नहीं देने, सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर जवाब देने। ओके चाहे कुछ भी हो, जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बबल्स वाली बेइज्जती कराइए ना आज में। हां उसको कवर करना है। तो 2.5 सेकंड का मामला, अगर आपने 2.5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया तो आवाज आएगी, ठीक है, किसी आवाज है। गेम स्टार्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, वेरी गुड। खट्टी चीज के खा के कैसी शक्ल बनती है? चाय की चुस्की लेने के बाद क्या आवाज निकलती है? ठीक, काफी लंबी चुस्की ली आपने। पर्ची पर कौन आया है? नाम, नाम आया, नाम पर्ची पर, नाम नहीं, सही जवाब था, सही जवाब नहीं, वो कह रही पर्ची पर नाम आया है, बहुत अच्छा जवाब दिया। अवार्ड किसको नहीं मिलना चाहिए था? आते आते रह गया। किसको देख के मुंह पर फेर लेती हैं? मुंह फेर लेती हूँ, हाँ, जब किसी को टोपी दी होती है ना, कुछ झूठ बोला, इतना लंबा जवाब नहीं देते, नाम कुछ भी बोल देते, बिलाल अब्बास बोल देती, दोस्त समझा देती, बेचारा वैसे उसके उस सर पे मैंने। बच्चे किसके हैं? लड़कियों के। आगा अली सोते में क्या बोलते हैं? कौन? आगा अली सोते में क्या बोलते हैं? हिना, हिना। खौतीन हजरात, 2 बजर के साथ यशमा गिल ने बेहतरीन खेला 2.5 सेकंड का मामला, वक्त आ चुका है। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ कि जाते जाते थोड़ी सी गेमर मैं भी बन जाऊँ, एक पर्ची मैं भी लाई हूँ, उस पर नाम नहीं है, उस पर गेमर तो आप हैं, लेकिन जिस प्यार से आपने मुझसे पूछा है, मेरा दिल चाह रहा है। देख के रखना मेरी मोहब्बत की सल्तनत में कदम, मेरे इश्क जुर्म में जमानत नहीं होती। मेरा दिल सिर्फ तेरी चाहत के लिए है, मेरा दिल सिर्फ तेरी चाहत के लिए है, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत। अच्छा मैं भी आपसे 2.5 मिनट वाली ही आवाजें निकाल, 2.5 सेकंड वाली, 2.5 सेकंड में तो 4 शो कर ले दो। वाला सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, 10 सवाल हैं, आवाजों के मामला आप देख लें, मैं संभाल लूंगा, आप करो। अच्छा मुझे ये बताएं, सवाल नंबर 1, उल्लू कैसी शक्ल बनाता है? वाओ एक्सपीरियंस्ड, मुझे उल्लू बहुत अच्छे लगते हैं यार। सुबह उठ के क्या करते हैं? उठ जाता हूँ। अच्छा ओ, सोने से पहले क्या नहीं करना चाहिए? वो नहीं करना चाहिए, एलाबरेट, टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, सो टाइम जाया नहीं करते, ओके पता है इनको आपका। सही है, ऊपर सही भाई बिठाया आपने। अच्छा किसको मारना चाहिए? उनको मार देना चाहिए। समझ गई मैं, गैस ना आए तो क्या करना चाहिए? दूसरी बात, जोर लगाना चाहिए। you know, हम सिंक कर रहे हैं, अब सिंक्रोनाइज हो गया। जोर लगाएं। आपकी क्या चीज बहुत गहरी है? आपकी क्या चीज बहुत गहरी है? सोच बहुत गहरी है, बहुत गहरी सोच। और हमारे जख्म बहुत गहरे हैं। वो भी मेरा गहरा है, हाँ जख्म भी गहरा। अच्छा यार ये किसने लिखे हैं? जख्म गहरे हैं, सोच गहरी है, इसमें क्या बोल, जो आवाजें निकाल रहे हैं उसी ने लिखे सवाल। मुंह में क्या नहीं होना चाहिए?
मुंह में झूठ नहीं होना चाहिए, भाई में सच बात होनी चाहिए। क्या बात है, पता है सोच का मामला ये। देखिए अगला सवाल, आखिरी सवाल, आपको किससे डर लगता है? आपसे यशमा। रात हंसना मनाया, अपने खिताब को पहुंच रहा है। मेरे साथ मौजूद थी यशमा गिल, बहुत मजा आया यशमा। आप ना सिर्फ ये कि बहुत प्यारी लग रही थी बल्कि आपने शो को भी उठा के रखा। एक कमाल बात, मैं रोज करता हूँ कमाल बात भाई, ऐसा है कि अमेरिकन ऑथर रॉय टी बेनेट कहते हैं कि डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज ईजी और पॉपुलर। आपको लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि आप दोराहे पे खड़े होंगे, एक काम वो होगा जो आपको लगेगा यार ये आसान है, और दूसरा काम ये होगा कि यार मैं करूँगा तो बहुत खज्जल ख्वारी होगी, बहुत थक जाऊँगा। अक्सर जो खज्जल ख्वारी वाले काम होते हैं, मुश्किल काम होते हैं, उनके बाद जो सक्सेस होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो कोशिश कीजिए कि आसान काम से ऊपर वो काम चूज करें जो सही हो, जो फेयर हो। मुश्किल होंगे मगर उसके बाद जो मजा आएगा, तो खवातीन हज़रात, खवातीन हज़रात 11:55 हो रहे हैं इस वक्त, आप दोराहे पे खड़े। एक काम वो है जो आसान है और दूसरा काम मुश्किल है, यानी सोना। तो जाइए जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।